हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीएस स्टडी हब। आज एक और जावा इंटरव्यू क्वेश्चन को लेकर आया हूं आपके लिए, और ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत टाइम इंटरव्यू में पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो और जानते हैं कि आज का क्वेश्चन क्या है। तो आज का क्वेश्चन है हम लोगों का कि एक्सप्लेन करना है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन फंक्शन को, जो कि हम लोग जावा प्रोग्राम के अंदर यूज़ करते हैं। तो ये जो स्टेटमेंट हम लोग यूज़ करते हैं, ये स्टेटमेंट हम लोग क्यों यूज करते हैं, ये कैसे काम करता है, ये पूरा इसका लॉजिक आज हम लोग क्लियर करने वाले हैं, ताकि इंटरव्यू में कहीं भी अगर पूछा जाए तो आप इजीली एक्सप्लेन कर सको, ठीक है ना। चलिए, तो इसको एक्सप्लेन करने से पहले हम यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल के साथ इसको पहले क्लियर करना चाहेंगे, उसके बाद इस पर आते हैं। तो सबसे पहले हम आपसे एक क्वेश्चन अराइज करना चाहते हैं यहाँ पे, कि अगर मान लीजिए कि आपके पास कोई स्टैटिक वेरिएबल या स्टैटिक फंक्शन है जावा क्लास के अंदर, तो आप उसको कैसे एक्सेस कर सकते हो? बाय द हेल्प ऑफ क्लास नेम आप एक्सेस कर सकते हो, ठीक है ना। अब आप एग्जाम्पल में यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने एक क्लास बनाया है जिसका नाम है डेमो, ठीक है। यहाँ पे एक मैंने स्टैटिक वेरिएबल बनाया है स्ट्रिंग टाइप का जिसका नाम है एस, और उसमें हमने एक यहाँ पे स्ट्रिंग असाइन कर दिया है, ओके। और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे हम लोगों ने और भी कुछ स्टेटमेंट मेंशन किया है, लाइक मेन फंक्शन और भी सारी कोडिंग, पूरा ये मान के चलिए कि ये पूरा जो क्लास है डेमो पूरा कंप्लीट है। अब हमारा टारगेट ये है कि ये जो स्ट्रिंग है इसका हमको लेंथ काउंट करना है, ये जो स्ट्रिंग है जो एस में स्टोर हुआ है इस वेरिएबल में, उसकी लेंथ काउंट करनी है कि उसका लेंथ कितना है स्ट्रिंग का, ठीक है ना। तो आप इसको कैसे मतलब लेंथ को कैसे काउंट करोगे? तो सबसे इजी तरीका और क्या होगा आपके लिए, देखिए आप क्या कर सकते हैं कि जैसा कि हमने बताया कि जो भी स्टैटिक वेरिएबल होते हैं वो अपने क्लास नेम से एक्सेस हो जाते हैं, और कहीं से भी एक्सेस हो जाएगा। आपको उसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि मेन फंक्शन के अंदर से ही कॉल करना है, स्टैटिक वेरिएबल जो है वो आपका कहीं पे भी डायरेक्टली भी कॉल हो जाते हैं और क्लास नेम से भी कॉल हो जाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं कि क्लास नेम से कैसे एक्सेस होगा। तो देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पर क्लास का नाम मेंशन करना है, क्लास का नाम क्या है डेमो डॉट, वेरिएबल का नाम इस डॉट लेंथ फंक्शन। ये जो लेंथ फंक्शन है ये इस स्ट्रिंग क्लास के अंदर बना हुआ है पहले से। आप समझिए बात को कि अगर ये जो इस वेरिएबल है इसका लेंथ अगर काउंट करना है आपको, तो आपको क्या कर लेना है, इस डॉट लेंथ फंक्शन को कॉल कर लीजिए। आपको क्या पता चल जाएगा, इस एस में जो भी स्ट्रिंग स्टोर है उसका लेंथ कितना है, लेकिन ये जो लेंथ फंक्शन है वो कहाँ पे बना हुआ है, वो ये स्ट्रिंग क्लास के अंदर बना हुआ है, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पे डेमो क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि ये स्टैटिक वेरिएबल है और स्टैटिक वेरिएबल अपने क्लास नेम से एक्सेस होता है, इसलिए अगर आपको इस एस वेरिएबल को यूज़ करना है तो आपको क्या लिखना होगा, डेमो डॉट एस डॉट लेंथ, मतलब क्लास का नाम डॉट वेरिएबल का नाम डॉट फंक्शन का नाम, जो कि आपका लेंथ काउंट करके देने वाला है। तो ये चीज़ क्या क्लियर हो गई यहाँ पे, कि जो भी स्टैटिक वेरिएबल होंगे या स्टैटिक फंक्शन होते हैं वो अपने क्लास नेम से एक्सेस हो जाते हैं, और उसको एक्सेस करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जैसा कि अभी हम लोगों ने यहाँ पे देखा, ठीक है ना। अब हम लोग आते हैं कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन जो है ये कैसे पहले से कन्फिगर किया हुआ है, जो कि हम लोग यूज करते हैं। तो एक चीज़ मैं बता दूं कि सिस्टम जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन में ये जो सिस्टम आपको दिखता है ये एक क्लास है जो कि प्री डिफाइंड क्लास है, जो कि जावा डॉट लैंग पैकेज में अवेलेबल है। और ये जो आपका जो क्लास है ये पहले से इसका कोड कन्फिगर किया हुआ है जावा डॉट लैंग पैकेज में, ये कोड आपको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये पहले से बना बनाया चीज़ है क्लास, और हम लोग सिर्फ यूज़ करते हैं। लेकिन मेरा अभी मकसद है कि इसको एक्सप्लेन करना है, तो एक्सप्लेन करने के लिए हमको समझाना पड़ेगा कि ये जो सिस्टम क्लास है इसके अंदर कोड कैसे लिखा हुआ है और ये कैसे काम करता है, ठीक है ना। तो देखिए आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं कि एक क्लास बना हुआ है जिसका नाम है सिस्टम, ठीक है, और उसके अंदर एक वेरिएबल बना हुआ है आउट नाम का स्टैटिक नेचर का,
और ये जो आउट वेरिएबल है उसका जो टाइप है वो टाइप कैसा है? प्रिंट स्ट्रीम क्लास का टाइप है, जैसा कि आप प्रीवियस एग्जांपल में देखे थे। ये जो एस वेरिएबल था उसका टाइप कैसा था? स्ट्रिंग, स्ट्रिंग टाइप का था। उसी तरीके से यहाँ पे ये जो आपका आउट वेरिएबल है वो प्रिंट स्ट्रीम टाइप का है, जो कि एक क्लास होता है, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो स्टैटिक है वो आपका एक वेरिएबल है। स्टैटिक स्टैटिक जो है आपका एक कीवर्ड है जिसे मॉडिफायर भी बोला जाता है। तो यहाँ पे ये जो स्टैटिक कीवर्ड आप यूज़ कर देते हैं तो क्या होता है कि आपका वेरिएबल स्टैटिक बन जाता है। तो ये जो आउट वेरिएबल है ये स्टैटिक है। अब मेरा अगेन क्वेश्चन क्या है कि अगर आपको ये आउट वेरिएबल को एक्सेस करना होगा तो आप कैसे यूज़ करोगे? तो एक्सेस करने के लिए आपको क्या यूज करना पड़ेगा? क्लास नेम का यूज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये जो आउट वेरिएबल है वो स्टैटिक नेचर का है, तो स्टैटिक नेचर के जो भी वेरिएबल होंगे वो अपने क्लास नेम से एक्सेस होंगे। तो ये जो वेरिएबल है वो अपने क्लास नेम से कैसे एक्सेस होगा? इसका क्लास का नाम क्या है? सिस्टम। तो आपने यहाँ पे लिखा सिस्टम डॉट वेरिएबल का नाम आउट। अब देखिए ये जो प्रिंट स्ट्रीम क्लास है इसके अंदर पहले से बना हुआ प्रिंट एलेन या प्रिंट नाम का पहले से बना हुआ फंक्शन है। तो अगर आपको कॉल करना है प्रिंट एलेन फंक्शन को तो आपको यहाँ पे क्या लिखना होगा? आउट डॉट प्रिंट एलेन फंक्शन को आप कॉल कर लीजिए, और ये कुछ भी स्टेटमेंट प्रिंट करने के लिए आपको मदद करता है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो प्रिंट एलेन फंक्शन है वो प्रिंट स्ट्रीम क्लास के अंदर बना हुआ है, ठीक है। और अगर आपको प्रिंट एलेन फंक्शन को कॉल करना है तो आप कैसे करोगे? प्रिंट स्ट्रीम क्लास का एक वेरिएबल बनाओगे और उस वेरिएबल की मदद से आप उस फंक्शन को कॉल कर लोगे। जैसा आपने प्रीवियस एग्जांपल में देखा था कि अगर आपको इस स्ट्रिंग का लेंथ काउंट करना था तो आपने क्या किया? स्ट्रिंग टाइप का एक वेरिएबल बना दिया और उस वेरिएबल की मदद से लेंथ फंक्शन को कॉल कर लिए जो कि स्ट्रिंग क्लास के अंदर बना हुआ था। अब उसी तरीके से अगर आपको कोई भी चीज़ प्रिंट करनी होती है स्क्रीन पे तो क्या हम लोग करते हैं कि हम लोग लिखते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। तो प्रिंट एलन जो फंक्शन पहले से बना हुआ है वो प्रिंट स्ट्रीम क्लास के अंदर बना हुआ है। तो प्रिंट स्ट्रीम क्लास के अंदर का जो फंक्शन है वो कैसे कॉल होगा? तो प्रिंट स्ट्रीम क्लास का एक वेरिएबल बना लीजिए और वो वेरिएबल का नाम होगा आउट, और ये वेरिएबल की मदद से, आउट वेरिएबल की मदद से आप प्रिंट एलन या प्रिंट फंक्शन को कॉल कर लीजिए। तो आउट डॉट प्रिंट एलन आप कर लीजिए, आपको प्रिंट एलन फंक्शन मिल जाएगा। लेकिन ये जो आउट है वो कैसे एक्सेस होगा? क्योंकि ये आउट वेरिएबल है वो आपका स्टैटिक नेचर का है, तो आपको यहाँ पे क्लास का नेम इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लास का नेम यूज करोगे ये आउट वेरिएबल आपके लिए अवेलेबल हो जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आपका जो सिस्टम है, ये जो लिखा हुआ स्टेटमेंट, ये आपका एक प्री डिफाइंड क्लास है जो जावा डॉट लैंग पैकेज में अवेलेबल होता है, और ये जो आउट है वो आपका एक वेरिएबल है, स्टैटिक वेरिएबल है जो अपने क्लास नेम के साथ एक्सेस हुआ है, और डॉट ये जो प्रिंट एलन फंक्शन है वो प्रिंट स्ट्रीम क्लास के अंदर पहले से बना हुआ एक फंक्शन है जो कि आउट वेरिएबल के साथ एक्सेस हो रहा है। तो आई होप कि आपको पूरा का पूरा स्टेटमेंट समझ में आया होगा कि ये सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन फंक्शन कैसे काम करता है, ठीक है। तो कभी भी इंटरव्यू में अगर आपसे पूछा जाए कि एक्सप्लेन कीजिए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन फंक्शन को, तो आपको सिंपल क्या करना है, क्या बोलना है कि सिस्टम जो है वो एक प्री डिफाइंड क्लास है जो कि जावा डॉट लैंग पैकेज में अवेलेबल होता है। उसके बाद आउट जो है वो एक स्टैटिक वेरिएबल है जो कि क्लास नेम के साथ एक्सेस होता है, इसीलिए हम लोग सिस्टम डॉट आउट लिखते हैं, क्योंकि आउट का जो आउट वेरिएबल है उसका क्लास नेम सिस्टम है। और डॉट प्रिंट एलन फंक्शन इसलिए लिखते हैं ताकि प्रिंट स्ट्रीम क्लास के अंदर बना हुआ फंक्शन हमारा कॉल हो सके आउट वेरिएबल की मदद से। आई होप आपको पूरा का पूरा स्टेटमेंट क्लियर हो गया होगा कि ये कैसे काम करता है और इसके पीछे लॉजिक क्या है। तो ये जो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन हम लोग यूज करते हैं, इसके लिए आपको ऐसा कोड लिखने का जरूरत नहीं है, क्योंकि ये पहले से ही आपके लिए अवेलेबल है, पहले से बना बनाया हुआ है जावा डॉट लैंग पैकेज में, ये सारा कुछ पहले से अवेलेबल है, ठीक है ना। तो ये समझाने के लिए मैंने आपको ऐसा यहाँ पे स्क्रीन पे कोड फ्रेम करके दिखाया ताकि आपको समझ में आ जाए कि वहाँ पे भी इस टाइप से ही बना हुआ चीज है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा।
सो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर ले चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कर ले फर्दर नोटिफिकेशन के लिए, ताकि जैसे ही कुछ नया वीडियो अपलोड करूं आपको तुरंत से नोटिफिकेशन मिल जाए। और बहुत सारे और भी जावा इंटरव्यू से रिलेटेड क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर के आऊँगा, तो चैनल पर बने रहिए एंड वॉच करते रहिए। थैंक यू सो मच।